नमस्कार दोस्तों, एमएस स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि फ्रेंड आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में देखा होगा, आज जो वीडियो का टाइटल है कि ट्रेन की जो बोगी उसमें जनरल बोगी आगे और पीछे क्यों लगाई जाती है। अक्सर फ्रेंड आपने ट्रेन में जरूर सफर किया होगा, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा परिवहन का जो मार्ग है वो रेलवे है। तो आप अगर रेलवे में सफर किए यानी ट्रेन में सफर किए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि जनरल बोगी को या तो इंजन से बिल्कुल कनेक्ट करके यानी आगे लगाया जाता है, या पीछे गार्ड के पीछे रहता है यानी आगे और पीछे ही लगाया जाता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है सर, कमेंट करते हैं कि सर ये बीच में इसलिए रीजन से नहीं लगाया जाता क्योंकि अगर एक्सीडेंट हो तो सिर्फ जनरल वाले ही मरे। लेकिन फ्रेंड मैं बताना चाहूंगा, ये बिल्कुल आप गलत सोचते हैं कि जनरल वालों को, ये रेलवे ऐसा नहीं चाहते कि जनरल वाले एक्सीडेंट में मरे। इसके बहुत बड़े रीजन है, मैं उन रीजन पर बात करूंगा। लेकिन वीडियो में आप बने रहिए, अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेजफुल वीडियो उनके पास पहुंच सके। सबसे बड़ा रीजन होता है, आपने देखा होगा फ्रेंड की जो रेलवे है उसमें जनरल बोगी में टिकट नहीं होता है, यानी जनरल बोगी में डायरेक्ट आप रेलवे स्टेशन से टिकट लेते हैं, आपकी आरक्षित नहीं रहती है, यानी कोई निर्धारित नहीं रहता है कि आपकी सीट है। लेकिन वही थर्ड एसी है, सेकेंड एसी है, फर्स्ट एसी है, स्लीपर है, 2S, उसमें आपको टिकट बुक करना पड़ता है या आप काउंटर से टिकट बुक करवाएं, यानी आपकी सीट जो होती है वो फिक्स होती है, आरक्षित होती है। ऐसे में अगर टीटी को अगर आपको टिकट चेक करना हो तो आप एक बार स्टार्टिंग से, यानी जो ट्रेन है ट्रेन के स्टार्टिंग से इन करता है और ट्रेन के एंडिंग पॉइंट तक वो अपना सारा बोगियां चेक कर लेता है, या चाहे स्लीपर हो, थर्ड एसी, सेकंड एसी हो। आपने देखा होगा जनरल बोगी ना तो स्लीपर से कनेक्ट नहीं होती है, जनरल बोगी स्लीपर से कनेक्ट नहीं होती है ना ब्रेन। तो ऐसे में अगर बीच में लगा दिया जाए, बीच बीच में लगा दिया जाए जनरल बोगी, तो जो टीटी है उसको चेक करने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन, आपने देखा होगा कि इंडिया में जो रेलवे स्टेशन है काफी छोटे हैं। कुछ ऐसी ट्रेनें भी हैं जिनके अगर रेलवे स्टेशन पे खड़ी होती हैं तो जो जनरल बोगी है वो प्लेटफॉर्म पे नहीं आती है। तो ऐसा इस रीजन से, क्योंकि आपने देखा होगा जनरल बोगी में काफी भीड़ आती है, तो इस रीजन से ऐसा नहीं किया गया है ताकि इनको जो स्लीपर है, थर्ड एसी, सेकंड एसी, इनको कोई असुविधा ना हो बैठने में। तीसरा जो रीजन है बहुत बड़ा फ्रेंड, आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जनरल बोगियां जो हैं उनमें एक्सचेंज किया जाता है, यानी बोगी को घटाया भी जा सकता है, बोगी को बढ़ाया भी जाता है, यानी कहीं कहीं जनरल बोगी ऐड भी कर दी जाती है। तो ऐसे में अगर जनरल बोगी पीछे की साइड हो, आगे की साइड हो, तो उसे इजी से कनेक्ट किया जा सकता है, यानी एक डब्बा एक्स्ट्रा जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। ये भी एक मेजर फैक्ट है। ये रहा तीसरा फैक्ट। जो चौथा फैक्ट है फ्रेंड, आपने देखा होगा कि जो बोगियां होती हैं वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले होती हैं, यानी ये सेकंड एसी का है, ये थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, सारी जो बोगियां हो वो डिस्प्ले होती है, यानी प्लेटफॉर्म पे एक लाइटें लगी रहती है, उस पर लिखा होता है ये S1 S2, यानी S1 की जगह पे ट्रेन का जो, जब ट्रेन आएगी तो ट्रेन का जो डब्बा है S1 के स्थान पे S1 ही रुकेगा। लेकिन जनरल बोगी आपने देखा है जनरल बोगी का कोई इंडिकेशन नहीं होता, तो भीड़ भाड़ ताकि सुगमता से बैठ सकें और जो भी स्लीपर जो आरक्षित टिकट वाले हैं वो आसानी से अपनी बोगी पहचान के बैठ सके, इसका भी ध्यान रखते हुए रेलवे ने ऐसा किया है। तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि जनरल वाले जो होते हैं वो सिर्फ डेथ के लिए होते हैं। लेकिन एक बात तो सत्य है फ्रेंड, कि आपने देखा होगा जब जनरल का कोई इंश्योरेंस नहीं होता है ना, लेकिन जो स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी या 2S है, उनका एक क्या होता है, इंश्योरेंस होता है 0.49 पैसे, यानी 49 पैसे में उनका ये रिजर्वेशन होता है जब भी आप टिकट बुक करते हैं 49 पैसे में। तो वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस भी एक मेजर फैक्ट है, लेकिन 100% आप नहीं कह सकते कि एक्सीडेंट में जनरल वाले अगर दुर्घटना हो तो एक्सीडेंट वाले मरे, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि इंश्योरेंस का कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाता है कि अगर जिनके इंश्योरेंस किए गए हैं तो उनको सेफ पहुंचाया जा सके। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।